नमस्कार, स्ट्रीट बज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। जाप संरक्षण पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। कोरोना काल में पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला। जाप कार्यकर्ता इस जुलूस को जाप जिलाध्यक्ष रंजन यादव की आवाज से लेकर शिवपुरी ढाला तक गए और वहां हिंदू रीति रिवाज से अर्थी को जलाया गया। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पप्पू यादव को और यहाँ करो, और पप्पू यादव की रिहाई की मांग की। वहीं जिलाध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार की सरकार मर चुकी है, उसी तरह जन अधिकार पार्टी नीतीश कुमार के अर्थी जुलूस निकालकर जिंदा नीतीश कुमार को मारने का काम कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है, तब तक लोग पंचायत से लेकर जिला तक अनवरत इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जुलूस निकाली है, क्या प्रॉब्लम? आज बिहार में नीतीश की सरकार जिस तरह मर चुकी है, उसी तरह जन अधिकार पार्टी आज नीतीश का अर्थी जुलूस निकाल के जिंदा नीतीश कुमार को जलाने का काम कर रही है। माननीय संरक्षक जाप के पप्पू यादव की जब तक रिहाई नहीं होगी, तब तक हम लोग अनवरत पंचायत से लेकर शहर तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। समय 3:45 में बिहार सरकार नीतीश कुमार का देहांत हो गया, जिसके शोक में पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे आए हुए हैं। नीतीश कुमार का भी अर्थी जुलूस हम लोग निकाल रहे हैं। आज पप्पू यादव जी अगर अंदर नहीं होते, बाहर रहते, तो ही कोरोना से नीतीश कुमार जी का मौत नहीं होता। फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।